मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे प्रेम किया और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें छुटकारे के दिन के लिए मोहर लगाया है, हमारे लिए क्रूस पर मुआ, पवित्र शास्त्र के अनुसार मारे जाने के बाद पवित्र शास्त्र के अनुसार जिलाया गया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में तमाम प्रेक्षकों को और तमाम श्रोताओं को जय मसीह की। आइए आज भी ये तीसरा दिन हमारे त्रियकत्व के या त्रियकत्व परमेश्वर के प्रकाशन के बारे में हमारे शिक्षण के ये आखिरी दिन प्रार्थना के साथ हम प्रारंभ करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा अभी तक जैसे आपने हमें चलाया, फिर से हम आपके भरोसे में आते हैं। खुदाबा, आपकी आत्मा आपके वचन की सच्चाइयों को ग्रहण करने के लिए हमें समझाएं, हमारी समझ और बुद्धि को आप छू लीजिए, आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, परमेश्वर ने पिछले दो दिन पवित्र शास्त्र बाइबल में दिया गया ईश्वरीय प्रकाशन के सिलसिले में थोड़ा सा कुछ देखने के लिए हमें परमेश्वर ने मदद किया। आप सबको हमारे साथ जुड़ने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पास्टर मनु और उनकी कलीसिया को भी विशेष हम धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार वचन हम तक पहुंचाने में वे हमेशा प्रयास करते हैं। प्यारों, हमने पवित्र शास्त्र बाइबल में देखा कि बाइबल सबसे ज्यादा हमें जो बताते हैं वह परमेश्वर के बारे में। बाइबल का सबसे पहला वचन ही परमेश्वर अस्तित्व में है उस उद्घोषणा के साथ में प्रारंभ होता है। तो बाइबल परमेश्वर का वचन है, उस वचन हमें परमेश्वर का पहचान देता है। बाइबल का परमेश्वर खुद को प्रकाशित करने वाला परमेश्वर है। जब तक परमेश्वर खुद को प्रकाशित नहीं करें, तब तक कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को जान नहीं सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे छोटी सी बुद्धि के अंदर परिभाषित नहीं हो सकता है। हमारे छोटी सी दिमाग में परमेश्वर को समाना संभव नहीं है। सारे सृष्टि में परमेश्वर अगर अपने आप को सीमित नहीं करें तो समाए नहीं सके। ऐसा महान ईश्वर परमेश्वर जिसको पहचानना मानव के लिए या किसी भी सृष्टि के लिए नामुमकिन है, लेकिन वो परमेश्वर हमारे समझ के अंदर जितना हम परमेश्वर को समझ सकें उतना खुद को हमारे लिए प्रकाशित किया है। इसीलिए मैं बाइबल के परमेश्वर को स्वयं प्रकाशित करने वाला परमेश्वर, स्वयं प्रकट करने वाला परमेश्वर, सेल्फ रिवीलिंग गॉड बुलाना पसंद करता हूं। तो वो परमेश्वर सर्वप्रथम मनुष्य की चित्त में, अंतकरण में, विवेक में अपना पहचान दिया है। इसलिए है किसी ने ऐसे पूछा था, कोई वैचारिक व्यक्ति ने, कि बंदर जैसे दिखने वाला मनुष्य और मनुष्य जैसे दिखने वाला बंदर, इन दोनों में क्या अंदर? सबसे खास अंदर तो यही है कि बंदर या बाकी किसी भी सृष्टि लीजिए, उन किसी में भी ईश्वर का पहचान नहीं है, सनातन परमेश्वर का पहचान नहीं, सनातन जीवन का पहचान नहीं,
और एक नैतिकता का पहचान नहीं, लेकिन मनुष्य के अंदर चाहे घने गहरे जंगलों के अंदर रहने वाले जंगलवासियां भी हो या पुराने जमाने में रहे हुए लोग भी क्यों न हो, हर किसी के अंदर परमेश्वर ने अपना पहचान में एक प्रकाश दिया हुआ है। तो परमेश्वर अपना पहचान दिया मनुष्य की अंतःकरण में। रोमियो पहला अध्याय के 19-20 अध्याय आयतों में बताया है कि परमेश्वर ने अपना प्रकटीकरण सृष्टि में किया है, सृष्टि में किया है। हाँ प्यारों, परमेश्वर बाइबल का ईश्वर ऐसे छिपे कहीं रहने वाला ईश्वर नहीं जो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसे ढूंढ करके निकले और कहीं पावे। नहीं, बाइबल का परमेश्वर मनुष्यों को ढूंढ करके निकला हुआ, मनुष्यों को खोज कर निकाला हुआ परमेश्वर है। साथ ही साथ में बाइबल का परमेश्वर अपने आप को मनुष्य के सामने प्रकट करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का सबसे खास प्रकटीकरण हुआ है अपने वचन के द्वारा। अपना वचन जब कहें, वैसे तो वचन का तीन अवस्था या रूप है, जो कहलाता है मौखिक वचन, लिखित वचन और शरीरधारी वचन। उनमें से तीनों के द्वारा परमेश्वर अपना पहचान तो देते हैं, लेकिन खास तौर पर परमेश्वर अपना पहचान देने वाला, प्रकटीकरण देने वाला वचन के दो पहलू। एक है लिखित वचन यानी पवित्र शास्त्र बाइबल, दूसरा है जीवित वचन यानी देहधारी वचन हमारे प्रभु यीशु मसीह। इसलिए यह कहलाता है कि लिखा गया वचन परमेश्वर के प्रकाशन के सुनने और पढ़ने वाला पहलू है, जबकि देहधारी वचन यीशु मसीह परमेश्वर का दिखने वाला प्रकाशन है। हाँ प्यारों, इसलिए मैंने सबसे पहले दिन ही बताया था कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र लिखित वचन अगर परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया और अटल वचन तथा कभी गलत नहीं होने वाला वचन मानने वाले किसी भी व्यक्ति को इस बाइबल में प्रकाशित किया गया, परमेश्वर को त्रिएक परमेश्वर पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। शायद हमारे बुद्धि के अंदर वो चीज पूरे पूरे उतरता नहीं होगा, हमारे बुद्धि में परमेश्वर का वो पहचान, वो प्रकटीकरण पूरे पूरे बिठाया नहीं जाता होगा, तो भी हमें मानने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी नहीं टलने वाला, कभी भी गलत नहीं होने वाला परमेश्वर की प्रेरणा शास्त्र से लिखा गया वचन ये कहता है कि परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है। इसीलिए आज मैं सीसी रायरी नाम का एक व्यक्ति ने बताया वक्तव्य या परिभाषा उसी विषय में देना चाहता हूं, ट्रिनिटीयत्व के बारे में, ट्रायूनिटी के बारे में। उन्होंने कहा हुआ एक बात ऐसे है, देयर इज ओनली वन गॉड बट इन द यूनिटी ऑफ द गॉड हेड देयर आर थ्री इटर्नल को इक्वल पर्संस द सेम इन सब्सटेंस बट डिस्टिंक्ट इन सब्सिस्टेंस। अर्थात एक ही परमेश्वर है, बाइबल प्रकाशित करने वाला परमेश्वर के बारे में बताता है एक ही परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वरत्व की एकता में तीन व्यक्तियां हैं जो सनातन तथा अस्तित्व में समान हैं, सार में एक ही पर गुजर बजर या पहचान में तीन है। फिर से मैं बताता हूं क्या है त्रिएकत्व, बाइबल का ईश्वरीय दर्शन क्या है।
फिर से मैं बताऊं, एक ही परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वरत्व की एकता में, जुड़ाई में तीन व्यक्तियां पाए जाते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीन व्यक्तियां पाए जाते हैं, जो सनातन है और उस अस्तित्व में समान है, सनातन और समान है तीनों ही, सार या सारांश में एक ही, परंतु पहचान में तीन है। उसको फिर से तीन शब्दों में हम संक्षिप्त ऐसे कर सकते हैं कि एक ही परमेश्वर है, अर्थात अस्तित्व, बीइंग। दूसरी बात, तीन व्यक्तियां हैं, पर्सन्स, पर्सनालिटी, पर्सन्स, व्यक्ति तीन हैं। नाम हमें मालूम है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, लेकिन तीनों व्यक्ति परमेश्वर है। सावधान, परमेश्वरे नहीं, तीन व्यक्तियां गॉड्स नहीं, तीनों गॉड है, परमेश्वर है। परमेश्वरे बहुवचन का इस्तेमाल करोगे तो फिर त्रिमूर्तियां बन जाएंगे, तीन अलग अलग ईश्वर बन जाएंगे, नहीं, उनमें बिल्कुल सावधान। एक ही परमेश्वर, तीन व्यक्तियां, तीनों ही परमेश्वर है, तीनों मिलकर तीन ईश्वर नहीं, तीनों मिलकर एक परम ईश्वरत्व, एक ही अस्तित्व में परमेश्वर बनता है। इसीलिए उस बात को बहुत ही अच्छे से समझें, अर्थात क्या पिता परमेश्वर परमेश्वर है? बिल्कुल। देखिए पहला पत्रस, पहला अध्याय का पहला और दूसरा वचन में वो बात बताया है। मैं आपके लिए उस वचन को पढ़ना चाहता हूं, पहला पत्रस, पहला अध्याय का एक और दो। पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम, जो जगहों का नाम दिया है, दूसरा पद में लिखा है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार। देखा, परमेश्वर पिता के, पिता परमेश्वर है। दूसरी बात, यीशु मसीह परमेश्वर है, पुत्र यीशु मसीह परमेश्वर है। हाँ, शानदार घोषणा बाइबल उसके बारे में कहते हैं। तीन वचन मैं आपके सामने रखूं, और भी ज्यादा है, लेकिन खास तौर पर तीन। परमेश्वर पिता के बारे में ज्यादा वचन मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि अधिकांश लोगों को परमेश्वर पिता के परमेश्वर होने में किसी का शक नहीं। अधिकांश या सभी के सब मानते हैं कि परमेश्वर पिता परमेश्वर है, लेकिन लोग जो गलत शिक्षा देते हैं इसके बारे में, वे यीशु मसीह की परमेश्वरत्व पर सवालात उठाते हैं। इसीलिए मैं उसके लिए तीन वचन देना चाहूंगा। पहला यह है कि तीतुस 2 का 13वां पद में, तीतुस 2 का 13, इब्रानियों 1 का 8 और पहला यूहन्ना 5 का 20। तो तीन ही बात मैं फिलहाल बताने के लिए चाहूंगा, तो उसमें से एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, तीतुस में से दूसरा अध्याय का 13वां पद में, और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते हो। देखिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल क्या बताता है? महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता, हालेलुया, यीशु परमेश्वर है। और पहला यूहन्ना
पांच का बीज भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें भी बहुत ही शानदार तरीके से यूहन्ना प्रेरित ने प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वरत्व को साबित किया है। उसमें लिखा है, और ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचानें और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। यीशु मसीह के लिए यहां कहा है सत्य, परमेश्वर का पुत्र, और यह भी कहा यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और अनंत जीवन है। जीसस क्राइस्ट इज द ट्रू गॉड एंड द इटर्नल लाइफ। हां प्यारों, यीशु मसीह केवल एक चमत्कार करता नहीं, यीशु मसीह एक सेमी गॉड, आधा ईश्वर नहीं, बहुत से लोग जैसे सोचते हैं। यीशु मसीह केवल एक अवतार नहीं, यीशु मसीह और कोई सृष्टि के समान नहीं, परंतु बाइबल कहता महान परमेश्वर है, सत्य परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है और वही अनंत जीवन है। तो यीशु मसीह परमेश्वर है। फिर लोगों में शक ये होता है, क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर है? अवश्य, बाइबल पवित्र आत्मा की परमेश्वरत्व के बारे में क्या कहते हैं। पहले हम देखेंगे प्रेरितों के काम 5 अध्याय, प्रेरितों के काम 5 अध्याय के 3rd और 4th पद में उसके बारे में लिखा हुआ है। लिखा ऐसे हैं, परंतु पत्रस ने कहा, हे अननिया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास ही रही क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। 3rd पद में बताया, पवित्र आत्मा से तूने झूठ बोला। उसकी परिभाषा 4th पद में पत्रस ने दिया, तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। तो बोलिए प्रभु के लोगों, पवित्र आत्मा क्या परमेश्वर है? जरूर, बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और साथ ही साथ में इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय का 14 पद भी मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। इब्रानियों 9 का 14, जिसमें लिखा है, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। यहां पवित्र आत्मा के लिए बाइबल ने दिया नाम है सनातन आत्मा। हां प्यारों, मैंने पहले ही कहा त्रिएकत्व का मूल सिद्धांत ये है कि परमेश्वर पिता परमेश्वर है, पुत्र मसीह यीशु परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। वो तीनों का परमेश्वरत्व का सबूत बाइबल के अंदर से हमने पाया है। और यह भी कि पिता सनातन है, पुत्र सनातन पुत्र है, पवित्र आत्मा भी सनातन है। देखिए, इससे बढ़कर कोई सबूत अब सच्चाई की खोजियों को नहीं चाहिए ये जानने और मानने के लिए कि बाइबल का परमेश्वरत्व की प्रकाशन त्रिएकत्व का प्रकाशन है, त्रिएकत्व का प्रकाशन है। हां प्यारों, यह बात मन में ठान ले और जब जब चाहें तो इकरार करते जाएं।
हम अपने कलीसिया के लोगों को, हम अपने बाल बच्चों को सिखाते जाएं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, सनातन पिता सनातन पुत्र सनातन आत्मा, तीनों ही ईश्वर है। ईश्वरत्व में किसी में भी कोई कमी नहीं, इसीलिए तीनों ही आराधना के योग्य है, तीनों ही भय के योग्य हैं, तीनों ही उपासना के योग्य हैं। हां प्यारों, लेकिन हमको तीनों को अलग अलग नहीं करना है, पिता को अलग, पुत्र को अलग, पवित्र आत्मा को अलग नहीं करना, क्योंकि दे आर इटर्नली अनडिवाइडेडली यूनाइटेड टुगेदर इन इटर्नल लव एंड हार्मनी। फिर से मैं बताता हूं, त्रिएक परमेश्वर को एक एक करके जुदा नहीं किया जा सकता है। इसलिए हैं कुछ लोग, जैसे वो गाना है ना, पिता तेरी आराधना हो, ऐसे अलग अलग करके हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इटर्नली दे आर अनडिवाइडेडली यूनाइटेड टुगेदर इन इटर्नल लविंग हार्मनी। तो सनातन प्रकार के एकता में विभाजित नहीं किया जा सकता, अविभाजित, विभाजित किए नहीं जा सकने वाले एकता में, प्यार में तीनों ही एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको आप अलग अलग नहीं कर सकते हो। वी कैन नॉट डिवाइड द ट्रिनिटी इंटू थ्री, अनडिवाइडेडली यूनाइटेड टूगेदर, इटर्नली यूनाइटेड टूगेदर, हार्मोनियसली यूनाइटेड टूगेदर, सनातन तौर पर जुड़े हुए हैं, अविभाजित तौर पर जुड़े हुए हैं, उनको बांटे नहीं जा सकते, विभाजित नहीं किए जा सकते तीनों, और हार्मोनियसली यूनाइटेड टूगेदर, इतना प्रेम भाव से, इतना एकता की भाव से जुड़े हैं कि हम उनको अलग नहीं कर सकते। इसीलिए कभी भी प्रचारों में हो, प्रार्थना में हो, आराधना में हो, गानावों में हो, इन तीनों को अलग अलग करने की कोशिश कदापि नहीं करें। जब तीनों को हम जुड़ने से बदले जुदा करने की कोशिश करते हैं, तभी ऐसा सवाल उठता है, क्यों पवित्र आत्मा परमेश्वर है, तो क्या परमेश्वर पवित्र आत्मा का भी आराधना हो सकता है? ऐसा सवाल ही उठते तब है जब हम तीनों को जुदा करने की कोशिश करेंगे। नहीं प्यारों, अब परमेश्वर ने ही हमें दिया हुआ व्यवस्था ऐसे हैं, पवित्र आत्मा के सहारे से, पवित्र आत्मा की जरिए से, यीशु मसीह की द्वारा पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के जरिए से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर की उपासना करें, वो तीनों के लिए बराबर मिलता है, एक को ज्यादा एक को कम नहीं। जब तीनों को तीन करके जब हम देखते हैं, तभी तो हमारी मन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाते हैं, अरे हमने तो पिता से प्रार्थना की लेकिन अभी तक पवित्र आत्मा से प्रार्थना नहीं किया। चलो पवित्र आत्मा नाराज न हो, पवित्र आत्मा को दुख न लगे, हम पवित्र आत्मा से भी प्रार्थना कर लेते हैं। नहीं, ऐसे विचार की जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा के, अरे मैंने उपासना नहीं किया, पिता का किया, तो पवित्र आत्मा को बहुत दुख लगेगा, पवित्र आत्मा की नजरअंदाज करता हूं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। चलो पवित्र आत्मा की उपासना करें। इन दिनों में आपने कई सारे प्रचारकों से सुने होंगे कि पवित्र आत्मा की तो हम कोई परवाह नहीं करते हैं, इसीलिए ये तो जमाना पवित्र आत्मा का है, चलो पवित्र आत्मा की उपासना करो। गलत है, नहीं चाहिए।
परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर ने दिया हुआ व्यवस्था ही, त्रिएक परमेश्वर ने रखा हुआ अनुशासन ही यही है कि पवित्र आत्मा हमको यीशु मसीह और परमेश्वर पिता की ओर ले चले, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की उपासना करें जो त्रिएक परमेश्वर का है। हमने पवित्र आत्मा तेरी आराधना हो ना बोलने से पवित्र आत्मा को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको यह मानना है पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है, एक साथ में परमेश्वर है। हाँ, अभी तक आपको इतना तो मालूम हो गया होगा कि तीनों का परमेश्वरत्व के बारे में, सनातनत्व के बारे में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की एकता के बारे में। तो अब मैं आपके सामने रखने के लिए चाहूंगा कि दो बात और, कि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है। उसके लिए तो हम बहुत से वचन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देख सकते हैं। मुझे याद है कल हम समाप्त किए थे कि त्रिएकत्व के बारे में पुराना नियम में से सबूतों को देख रहे थे। हमने भजन संहिता तक यशया तक देखे थे, भजनों में आने के लिए बाकी था और नया नियम भी बाकी है। उसमें हम आने से पहले इस बात को मैं फिर से रख रहा हूं कि बाइबल कहते हैं कि देयर इज ओनली वन गॉड, परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है। वो उसके लिए कुछ वचन आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। कल भी उसमें से एक मैंने रखा था कि व्यवस्था विवरण 6:4, याकूब 2:19, पहला कुरिन्थियों 8:5-6, पहला तिमोथी 2:14, रोमियो 16:24-26, और परमेश्वर ने 10 आदेश जो दिया पुराना नियम में, व्यवस्था विवरण 20, जहां पर पहला दूसरा वचनों में आज्ञाओं में परमेश्वर ने इसराइलियों से कहा था कि मेरे सिवाय तुम्हें और कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए। तो यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:15-16 या यूहन्ना की सुसमाचार में खास तौर पर कई बार कहा, सुसमाचार की अन्य पुस्तकों में कई बार यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर एक ही है, मैं और पिता एक ही है। उस प्रकार कई बार यीशु मसीह ने हमें इस बात को सिखलाया है कि एक ही परमेश्वर है। हाँ, इसीलिए हम एक से अधिक ईश्वरों पर विश्वास करने वाले नहीं, बहुत्व में, ईश्वर के बहुत्व यानी बहु ईश्वरीय वाद वाले नहीं हैं मसीही लोग, एकमात्र परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। लेकिन वो एकमात्र परमेश्वरत्ववाद, जैसे यहूदियां कहने वाले एब्सोल्यूट मोनोथिज्म जो कहते हैं कि बिल्कुल सख्त एकतावाद नहीं है, जैसे इस्लाम भाई लोग जैसे मानते हैं एक ही खुदा, उस प्रकार का एक सख्तता से नहीं है, परंतु बाइबल मसीही विश्वास में बाइबल प्रस्तुत करने वाला एकत्व त्रिएकत्व है, त्रिएकत्व है। इसीलिए बाइबल में जहां कहीं पर भी परमेश्वर एक ही है करके बता दें, तो उसका मतलब यह हो गया कि त्रिएक परमेश्वर, और उसी के साथ साथ परमेश्वर में हम बहुत्व को देखते हैं, बहुत्व को देखते हैं। उसके लिए कल भी हमने देखा उत्पत्ति 1:1, 1:26, 3:22, और उस प्रकार चलते 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 हम जब आते हैं तो प्रकाशित वाक्य में से भी
मैं दो तीन वचन आपके सामने रखूं। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 22वां पद, वहां पर हम देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का सिंहासन और मेमने का सिंहासन, परमेश्वर को भी मेमना, आपको मालूम है मेमना कौन है, परमेश्वर की मेमना कहलाने वाला प्रभु यीशु मसीह, तो दोनों को दो करके देखते हैं। उसी प्रकार 22 अध्याय का पहला और दूसरा पद में हम देख सकते हैं, और प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 4-5-6 में भी हम परमेश्वर की बहुत्व को देखते हैं। बहुत्व ही क्या है, परमेश्वर में त्रिएकत्व को हम उन हर जगहों पर देखते हैं, विशेषकर प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में उसकी 4-5-6 आपके सामने में रखने के लिए चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसका 4-5 आगे को है, 8वां पद तक है, लेकिन मैं एक दो पद ही पढ़ूंगा, और उसमें लिखा है 1-4 में, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है। कौन है ये जो है, था और आने वाला, पिता परमेश्वर के बारे में बताया। उसके बाद में कहा, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, पिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम पवित्र आत्मा को देखते हैं, पवित्र आत्मा को देखते हैं। पवित्र आत्मा के 7 प्रकार की विशेषता या नामों को लेकर यहां बताया 7 आत्मा, वैसे अलग अलग 7 आत्मा नहीं, जैसे यशया की पुस्तक 11 अध्याय में बताया एक दो पदों में, तो 7 खासियत पाक रूह के बारे में है, उसको लेकर के यहां बताया है कि 7 आत्माएं। तो पिता को हमने देखा, पवित्र आत्मा को यहां हमने देखा। उसके बाद 5वां पद में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह की ओर से, फिर यीशु मसीह के बारे में काफी बातें बताया, वो मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा। तो देखिए 4-5 पद में प्रकाशित वाक्य में हम ईश्वरत्व में बहुत्व को देखते हैं। बहुत्व यूं ही बोलकर के छोड़ने की बजाय हम त्रित्व को देखते हैं, त्रित्व को देखते हैं, पिता, पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह, इसीलिए हम त्रिएकत्व बोलते हैं। हां प्यारों, हमारे परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर हैं। अब मैं कल जो बता रहा था उसके बाकी भी बताकर समाप्त करने के लिए चाहूंगा। तो परमेश्वर बाइबल में बताया गया एक ही ईश्वर है अस्तित्व में, ठीक है, अस्तित्व में एक ही ईश्वर है, लेकिन व्यक्ति में 3 हैं। 3 व्यक्तियां मिलकर जुड़कर एक ही ईश्वर, अलग अलग बांटे जाने वाले नहीं, बिल्कुल भी अविभाजित तौर पर एक साथ जुड़कर रहने वाला हमारा परमेश्वर, हमारे परमेश्वर। और कल हमने देखा था कि पुराने नियम में ये त्रिएकत्व के सबूतों को, उसमें हम यशया की पुस्तक तक देखे थे। आज जल्दी इस बात को बोलकर मैं समाप्त करूं कि भजन संहिताओं में भी हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को एक साथ में देख सकते हैं। भजन संहिता 2 सबसे पहला मैसियानिक साम यानी मसीही भजन कहलाता है। वहां पिता बात करता है, पुत्र बात करता है, पवित्र आत्मा को भी हम बातें करते हुए देख सकते हैं, कि जैसे भजन संहिता 2 में 1 से लेकर
जो है 6 तक पिता बातें करते हैं तो उसके बाद पुत्र बात करता है, लेकिन 10, 11, 12 पद पवित्र आत्मा पुत्र के बारे में संसार के हाकिमों को राजाओं को बता रहा है। तो भजन संहिता 2 में हम त्रिएक परमेश्वर को देख सकते हैं, त्रिएक परमेश्वर को। उसके बाद जब हम आगे को चलें तो जरूर देख सकते हैं भजन संहिता 45 में 6 से लेकर 8 तक के पदों में वह पुत्र के बारे में पिता का कहना है। वो हम इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय की 8वां पद में पाते हैं। इब्रानियों 1 अध्याय का 8 और 9 पद, भजन संहिता 45 का 6, 7, 8 पदों को उठा करके लिखा, बताया पिता ने पुत्र के बारे में कहा, पिता ने पुत्र को परमेश्वर करके पुकारा है, सनातन है करके बताया है। हां, भजन संहिता 2:1-9 तक की बातें हम प्रेरितों के काम 4:24 में देख सकते हैं। उधर भी नया नियम में यह बात साबित हुआ है, भजन संहिता 2 में जो बताया वो पिता ने पुत्र के बारे में बताया है। भजन संहिता 40 उसकी 6 से 8 तक की पद पुत्र पिता से कह रहा है, 45 में पुत्र से पिता कहता है, लेकिन 40 में पुत्र पिता से कहता है। उसका सबूत हमें मिलती है इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय के 4 से लेकर के पदों में। उसी प्रकार भजन संहिता 110 में उधर भी कहता है दाऊद कि यहोवा प्रभु परमेश्वर मेरा प्रभु से कहा, यहोवा ने मेरा प्रभु से कहा। यहोवा पिता परमेश्वर को दर्शाता है, मेरा प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। यीशु मसीह ने स्वयं उस बात को मत्ती के सुसमाचार 22:41-46 तक की पदों में बताया। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय का 13वां पद में उस बात को उठा करके कहा कि भजन 110 में जो बताया 1-5 तक की पदों में वो पिता ने पुत्र के बारे में कहा है। उसी प्रकार भजन संहिता 22, भजन 22 में पुत्र पिता को पुकार रहे हैं, ए मेरे परमेश्वर, एलोई एलोई लमा शबक्तानी। तो पिता को पुत्र चिल्ला करके कहता है। तो इस प्रकार पुराने नियम में बहुत से भाग ऐसे हैं जहां परमेश्वर की एकता को, बहुत्व को और उससे बढ़कर परमेश्वर के त्रिएकत्व को दर्शाते हैं। और उसी तरह गिनती की पुस्तक 6:24-26 तक की पदों में इसराइलियों को आशीष देते हैं। 3 बार यहोवा इस प्रकार यहोवा का नाम लेकर 3 बार वह आशीष देने से सूचना मिलती है एक त्रिएकत्व का। लेकिन उसको लेकर के हम एक सिद्धांत को साबित नहीं कर सकते हैं, लेकिन साफ साफ सिद्धांत साबित है तो उसके सहारे में हम इसको भी ले सकते हैं। अगर कोई उसको लेना नहीं चाहे, नमस्कार, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। उसी प्रकार यशया 6:3 में हम कहते हैं, हम देखते हैं कि सराफियों परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, सेनाओं की यहोवा परमेश्वर पवित्र 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 है। वैसे ही हम प्रकाशित वाक्य 4:8 में भी पाते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। 3-3 बार इन हर जगह पर परमेश्वर की महिमा या परमेश्वर के नाम लिए जा रहे हैं, वो भी एक त्रिएकत्व की तरफ में संकेत है, पक्का संकेत है। ठीक है, नया नियम में भी मैं 1-2 बात बोल करके समाप्त करना चाहता हूं। नया नियम में भी बहुत से बातें सबूत हमें हैं
कि परमेश्वर एक ही है मगर त्रिएक परमेश्वर है। यीशु मसीह की जन्म के सिलसिले में देखिए, मसीह की जन्म के बारे में मरियम और यूसुफ को जब बातें किया तो वहां पर हम पाते हैं मत्ती 1:18-20, लूक का 1:35 तीनों को देखते हैं। जिब्राइल मरियम से कहता है कि परमेश्वर का सामर्थ तुम पर छाया करेगी और तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा एक पवित्र प्रजा उत्पन्न होगा जो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देखा, महान परमेश्वर का सामर्थ, पिता का सामर्थ, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का पुत्र जनेगी। यीशु मसीह की जन्म में हम त्रिएकत्व को देखते हैं। उसके बाद यीशु मसीह की बपतिस्मा में हम देखते हैं यूहन्ना 3:16-17, लूका 3:22, यीशु मसीह पानी में बपतिस्मा लेकर उभर रहे हैं, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतर रहे हैं, पिता आकाशवाणी दे रहे हैं। बपतिस्मा में भी हम तीनों को एक साथ देखते हैं। यीशु मसीह की परीक्षाओं में मत्ती 4:1, पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जंगल की ओर लेकर गया। पवित्र आत्मा और यीशु मसीह वहां दिखाई पड़ते हैं। यीशु मसीह की शिक्षाओं में हम पाते हैं यूहन्ना 14:16, तीनों को हम देखते हैं, मैं पिता से मांगूंगा, पिता तुम्हें और एक सहायक भेजेंगे। हां, पिता से पुत्र मांगने से पुत्र के कहना अनुसार पिता पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजेंगे, तीनों को हम पाते हैं। वहां पर जो दूसरा सहायक करके कहा है, वहां यूनानी में एलोस करके हैं, ALLOS, एलोस, उसका मतलब है कि अनदर ऑफ सेम काइंड, एक ही प्रकार का दूसरे की चीज। लेकिन यूनानी में दूसरे के शब्द है हेटरोस, हेटरोस, उसका मतलब है अलग प्रकार की दूसरी चीज, अलग प्रकार की दूसरी चीज। तो सामान भी अलग है, उसका सार भी अलग है, लेकिन आलोस दूसरा है मगर एक ही प्रकार का है। तो यहां बताया गया शब्द है अलोस, यानी जैसा मैं यीशु मसीह पुत्र, वैसा ही एक दूसरे व्यक्ति को पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजेंगे। तो यीशु मसीह की शिक्षाओं में प्रेरितों के काम 1:4-8 में भी हम वैसे ही देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु में जान देते समय प्रभु यीशु मसीह ने चिल्ला करके कहा, हे मेरे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता। जिलाए जाने में तीनों को हम एक साथ में देखते हैं। क्या है जिलाए जाने में एक साथ में देखना? यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाया जाता है, पिता उसे जिलाता है, पवित्र आत्मा की जरिए से जिलाते हैं। वो भी हम इफिसियों 1 उसकी 19-24 तक की पदों में, और इब्रानियों की पत्री 13:20 में, फिलिपियों की पत्री 3:9 की पदों में, इन हर जगहों पर देखते हैं यीशु मसीह की जी उठने में। यीशु मसीह की प्रार्थना में भी उसी प्रकार है, चाहे गतसमने की वाटिका में प्रार्थना हो या अन्य समयों में हो, हमको सिखलाया हुआ प्रार्थना हो, यीशु मसीह ने स्वयं किया हुआ यूहन्ना 17 के प्रार्थना हो, इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई, जिंदगी, जन्म, क्रूस की मृत्यु, जी उठना, प्रार्थना, हर एक चीजों में हम तीनों को एक साथ में देखते हैं। और प्रेरितों ने शिक्षा जो दिया उसमें भी हम वैसे ही देखते हैं। 1 कुरिन्थियों 12:4-4 पदों को देख लेना,
पिता पुत्र पवित्र आत्मा को हम वहां देखते हैं। और दूसरा कुरिन्थियों 13:14 में आशीष का वचन देते, वो भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने बपतिस्मा देने के लिए जो सूत्र बताया मत्ती 28:18-19 विशेषकर 19 और 20 में कहा है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। तो इस प्रकार अनंतता में भी हम तीनों को एक साथ में देखेंगे। वो है हमने प्रकाशित वाक्य में से देखा। समय समाप्त होने के कारण मैं भी यहां समाप्त करने के लिए चाहूंगा। प्यारों, उसकी विशाल पढ़ाई में तो बहुत तो दिनों में हमें पढ़ने के लिए है, एक एक पद लेकर के देख सकते हैं। और परमेश्वर के जो एट्रीब्यूट्स स्वभाव देखते हैं, 20-21 बातें उसमें हैं। उन भागों को जब हम देखें तो वो तीनों या तीनों में 21 बात ठीक बैठता है। और तीनों केवल शक्ति नहीं व्यक्ति है, पिता एक व्यक्ति है, यीशु मसीह एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। तीनों व्यक्तियां हैं लेकिन तीनों अलग अलग दिखने वाले व्यक्ति एक साथ जुड़कर एकमात्र सत्य सनातन परमेश्वर बना है। आइए प्यारों, अगर बाइबल का परमेश्वर त्रिएक नहीं, हमारे उद्धार से ही नहीं, त्रिएक नहीं बाइबल का परमेश्वर, उपासना से ही नहीं, और त्रिएक नहीं बाइबल का परमेश्वर तो वो सनातन परमेश्वर भी नहीं हो सकता। उन भागों में हम जा नहीं पा रहे हैं लेकिन हमारे उद्धार के सिलसिले में, आराधना की प्रशिक्षा में और ईश्वरीय सिद्धांत में ही परमेश्वर त्रिएक होना जरूरी है। इसीलिए बाकी किसी भी ईश्वरवाद से बढ़कर भौतिक तौर पर भी साबित किए जाने वाला, वचन की हिसाब से भी साबित किए जाने वाला एकमात्र शिक्षा है, वो है त्रिएक परमेश्वर का। इसीलिए आइए प्यारों, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की पहचान में कोई त्रुटि किए हैं, आज वापस आ जाएं। अगर त्रिएक परमेश्वर करके बाइबल के परमेश्वर पर ईमान नहीं लगाओगे तो वो गलत शिक्षा है, गंभीर गलती है, सनातन जिंदगी पर असर कर सकता है। इसलिए मन फिराकर सच्चा त्रिएक परमेश्वर को अपनाते हुए अपना जीवन को समर्पण करें, सत्य को ग्रहण करते हुए सच्चा परमेश्वर के उपासना करके, प्रचार प्रसारण करके अनंत जीवन की बात जोने में हम सबको परमेश्वर सहायता करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें मदद करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके प्रकाशन के लिए धन्यवाद। आपको पहचानने के लिए आप हमें समझ और बुद्धि दे, आपके वचन के मुताबिक हमारे जीवन बिताने में अनुग्रह दे। आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं तमाम श्रोताओं और प्रेक्षकों को। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के नाम से हम आशीषित करते हैं। पश्चिम मनु और उनकी कलीसिया सेवकाई के लिए भी धन्यवाद। आदर महिमा इज्जत हम आप ही को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। परमेश्वर आप सबके साथ रहें, आप सबको प्रभु आशीष देवें।